Asma Beauty Parlor and Institute. First time in Mumbra Multi-Speciality Beauty Parlor and Institute. मुंबई का सबसे बड़ा ब्यूटी पार्लर जहां आपको प्रोफेशनल और सर्टिफाइड ब्यूटिशियन द्वारा हेयर एंड स्किन ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाएगी। आसमा ब्यूटी पार्लर एंड इंस्टीट्यूट स्पेशल ऑफर बाय वन गेट वन सर्विस फ्री। रश एडमिशन स्टार्टेड फॉर ब्यूटिशियन एंड मेकअप आर्टिस्ट कोर्सेज एट आसमा ब्यूटी पार्लर एंड इंस्टीट्यूट जो की प्रोफेशनल सर्टिफाइड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। मेहंदी क्लासेस आर ऑल्सो अवेलेबल। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। लॉकडाउन के विरोध में किन्नरों ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया है। ये तस्वीरें बिहार के गोपालगंज की हैं, जहां बिना मास्क और अर्धनग्न होकर किन्नरों ने इसलिए विरोध प्रदर्शन किया है कि इनको भी शादी ब्याह में अन्य कार्यक्रमों में डांस करने की और शामिल होने की इजाज़त दी जाए। इनकी भी रोजी रोटी का सवाल है। किन्नरों का कहना है, इनकी मांग है कि कार्यक्रमों में नाच गा कर ही ये लोग को जो मिलता है उसी से इनका गुजारा होता है, मगर इस लॉकडाउन में सब बंद है। ऐसे में उन्हें भी इजाज़त दी जाए कि वो भी कार्यक्रम कर सके। वहीं शासन प्रशासन के तरफ से किन्नर समुदाय के लोगों को समझा बुझा कर इस प्रदर्शन को खत्म किया गया है। हम लोगों के जो प्रोग्राम हो रहे हैं वो बंद कर दिए गए हैं, ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के प्रोग्राम शुरू हो। शादी हो रही है लेकिन प्रोग्राम नहीं हो रहे हैं, ऐसे कौन सा? अब हम लोग की कमाई तो वही है, हम लोग तो उसी से खाते हैं। वो बंद हो जाएगा तो हम लोग खाएंगे कहाँ से? कौन सा कमाई है? हम लोग डांस करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, नाच गाना करते हैं शादियों में। हमारे तो दो कमाई है। क्या नाम है? बच्चे होते हैं तो हम लोग मांगते हैं, डांस करके खाते हैं। क्या नाम है अपना? काव्या। काव्या राजपूत। मैं दिल्ली से हूँ, यहाँ पे प्रोग्राम करती हूँ। यहाँ पे मेरा डेरा खेरा है। यहाँ पे शादियाँ तो हो रही हैं लॉकडाउन में लेकिन हमारा प्रोग्राम नहीं हो रहा। दो पैसे हम प्रोग्राम से कमाते हैं, जब प्रोग्राम ही नहीं हो रहा तो हम खाएंगे क्या? जाते कितने लोग बताओ? चार लोग जाते हैं प्रोग्राम पे, 50 लोगों को छूट दे दिए। शादी में 50 लोग जाएंगे, चार लोग और जाएंगे, हम लोग का पेट चल जाएगा। हम लोग ये नहीं कह रहे हमारे लिए तुम बहुत दो पैसा, दो हमारे लिए ये दो वो दो। हम तो अपनी मेहनत मांग रहे कि हम तो मेहनत करेंगे और खाएंगे। लेकिन आप लोग तीन दिन से मीरगंज बरौलिया और समाहरणालय में आज प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या अभी तक आप लोगों की मांग नहीं पूरी हुई? अभी तक मांग पूरी नहीं हुई है भैया, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस नहीं चाहिए। उन लोगों ने बोल दिया था, उन लोगों ने पहले बोल दिया था कि प्रोग्राम कर सकते हो, पर कल प्रोग्राम रोका गया, नहीं करवाया। पुलिस वाले आए, उन्होंने डंडा वंडा मारा, प्रोग्राम बंद करवाया, इसलिए हम लोग आज दोबारा चला रहे हैं। हमारे हस्बैंड के बच्चे आज शहर में किन्नर लोग, जैसा कि आपको पता है लॉकडाउन लगा हुआ है और इसमें शादी में डीजे ऑर्केस्ट्रा पे रोक लगा हुआ है। बेसिकली ये लोग ऑर्केस्ट्रा से रिलेटेड लोग हैं और इन लोगों का डिमांड था कि हम लोग नाचे गाएं और इसके लिए हमको पाबंदी ना लगे, इसी को लेके विरोध प्रदर्शन किए थे। इन लोगों को काफ़ी समझाया गया, सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस को बताया गया और वही बताने के बाद, काफ़ी समझने के बाद ये लोग तैयार हुए। साथ ही साथ हम लोग ये भी बोले कि आप लोगों को अगर इस समय दिक्कत है तो हम लोगों को सबको खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जोड़ना है, तो आप लोग राशन कार्ड बनवाइए, उसके लिए फ़ोटो और अपना आधार कार्ड हमारे पास जमा कीजिए, हम राशन कार्ड बनाएंगे। बहुत सारे लोगों ने बताया कि ऑलरेडी वो राशन कार्ड से आच्छादित है। कुछ लोग हैं जिनको नहीं है, दो दिनों के अंदर वो लोग आवेदन कर रहे हैं और उनको हम अगले नेक्स्ट डे ही उनको राशन कार्ड उपलब्ध करा देंगे। ये आश्वासन हम लोग दिए हैं और इस पर हम लोग काम भी करेंगे।